अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुस्तफ़ा शेफ सादत के किचन में। हम आपको आज मिंट रोल बनाना बताएंगे। इसमें हम डालेंगे सबसे पहले चिकन का कीमा, चेडर चीज, कटा धनिया, पुदीना, और मसाले में हम डालेंगे इसके अंदर नमक, जीरा कुटा हुआ पीसा हुआ, ब्लैक पेपर, कुटी हुई मिर्च, केचप, मायोनीस। ये सारी चीजें हमें डालकर इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको हम बनाएंगे पट्टी के अंदर। ये देखिए पट्टियां हमने इस तरीके से कपड़े के अंदर रखी है कि जो सूखे ना। मसाला हमारा तैयार हो गया है। अब हम ये पट्टियां, रोल की पट्टियां, ये हमने जो कपड़े में रखी हुई थी वो उसको हमने निकालेंगे। इसके अंदर हम ये भरेंगे। मैदे की लई बनाएंगे जो दो तकरीबन खाने के स्पून मैदे के, पानी के अंदर इसके डालकर इसको अच्छी तरह से मिलाकर थोड़ा लिक्विड की तरह इसको रखेंगे। ये पट्टी हमने ली और हमने इसके अंदर ये मसाला रखा रोल का। ये दो साइडें मोड़कर और ये जो आटे की लई बनाई है ये हम इसके ऊपर चिपका देंगे। ये मसाला हमने इस पर रखा, इसको यूं फोल्ड किया दो कॉर्नर से और ये जो लई बनाई है ये लई कॉर्नर पर लास्ट पर लगाकर इसको हम रख देंगे। ये हमारे मिंट रोल तैयार हो गए हैं। ये हमने अंडा लिया, ये अंडा तोड़कर इसको हम फेंट कर अच्छी तरह, रोल को हम जो है इसके अंदर डीप करेंगे। डीप करने के बाद ये जो ब्रेड क्रम जो है हमारा, ये ब्रेड क्रम में इसको अच्छी तरह से कोटिंग करेंगे। ये हमारे चिकन मिंट रोल तैयार हैं। अब इसको हम फ्राई करेंगे धीमी आंच के अंदर। ये हमारे चिकन मिंट रोल, इसको हमने फ्राई के लिए डाले हैं धीमी आंच के अंदर। इसको हम फ्राई करेंगे कि ये अंदर तक पके और इसकी सिकाई हो, जिससे कि ये नरम ना पड़े। इसको हल्का हल्का हिलाते नहीं। ये हमारे मिंट रोल तैयार हैं। इसको हम एक डिश में निकालेंगे। इसको आप बनाएं, खाएं, लाइक करें और शेयर करें।